जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। नात्रा एवं झगड़ा समाज के लिए एक दंश के रूप में है, जिसके चलते इस कुरूति ने लोगों के नुकसान सिवाय और कुछ नहीं किया। फिर भी जिले में कुछ जाति वर्ग के लोग इस प्रथा से इस कदर घिर चुके हैं कि वह उसे त्यागना नहीं चाहते। प्रशासन एवं शासन की कई पाबंदियों के बाद भी लोग एक दूसरे का नुकसान करने में जरा भी नहीं चूक रहे। वहीं राजगढ़ पुलिस सभी अपना काम बखूबी निभा रही है। फरियादी अर्जुन पिता लखन सिंह घोषी, उम्र 21 साल, निवास ग्राम सीका पटेलपुरा, थाना तलेन, जिला राजगढ़ ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया। मेरा ग्राम रावतपुरा की बबली पिता बाबूलाल मेवाड़ा के साथ प्रेम संबंध था। हम दोनों ने दिनांक 7 सितंबर 2022 को राजगढ़ कोर्ट में प्रेम विवाह कर लिया था, जिस कारण मेरी पत्नी बबली के परिवार वाले मुझसे व मेरे परिवार से रंजिश रखते हैं। ग्राम सीका पटेलपुरा के पटेल के नाम से एक चिट्ठी देकर झगड़े के 4 लाख रुपए मांग की गई, नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी गई। दोपहर करीब 1:30 पर अपने परिवार व पत्नी के साथ घर में था कि मेरी पत्नी बबली का भाई सोनू मेवाड़ा काका के लड़के चंद्र सिंह मेवाड़ा, हरिओम मेवाड़ा व मामा एलम सिंह मेवाड़ा घर के अंदर घुस आए और मुझसे व मेरे पिता लखन चौहान से आड़ीबाजी कर झगड़े के 4 लाख रुपए की मांग करने लगे और चारों ने मुझे व मेरे पिता को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी और बोले कि अगर झगड़े के पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे और वहां से चले गए। सर, ये रावतपुरा के जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका क्या है मामला? ये कल फरियादी अर्जुन सिंह का जो कोर्ट की गई थी कि इसने बबली नाम के लड़के से शादी कर ली थी और शादी के बाद अपने गांव सीका में रह रहा था, तो लड़की पक्ष के लोगों द्वारा 4 लाख रुपए झगड़े की राशि की मांग की जाकर उसके घर पर घुसकर मारपीट करी थी तथा अड़ीबाजी कर 4 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर से थाना कलेन में अपराध क्रमांक 314 कायम किया गया है और आरोपी को विरुद्ध 384, 327, 452 IPC प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थैंक यू सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।